बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एट क्लास आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अपनी बुक की तरफ देखें, वहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, कहते पी की जो वैल्यू है वो बताएं। द पॉलीनोमियल उन्होंने हमें बताया वो है 3x³ माइनस 7x² माइनस 9x प्लस पी बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस 3। कहते से इस तरह से आपने डिवाइड करना है कि जो है पी की वैल्यू जो है हमारे पास फाइंड आउट हो जाए जी। अब हम मैं आपको ना यहाँ पे डिवाइड करके बताऊँगी कि कैसे हमने इसे डिवाइड करना है। देखें, जैसे हमने कल डिवीजन के लिए रूल हमने फाइंड आउट किया था वो ही है इसके। हम डिवाइड करेंगे 3x³ माइनस 7x² माइनस 9x प्लस पी एक्स माइनस 3 के साथ जी। अब ये देखें, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3x³, और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है x। अब हमें x वेरिएबल जो है इसके लिए हमें किसी ऐसी टर्म से या किसी ऐसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो है वो 3x³ आ जाए। इसका मतलब है कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x-3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² के साथ जी। 3x² के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3x³ माइनस 3×9x² जी, इस फॉर्म में। अब ये देखें, हमने यहाँ पे सेम इसे वैसे करना है, जो हमारे पास टर्म आई न्यू इसे हम एज आ आंसर जो है ऊपर राइट कर लेते हैं जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ राइट करेंगे 3x³ माइनस, अब 9x² है तो हम इसे 9x² के साथ ही राइट करेंगे 9x² जी। अब इनके हम करेंगे यहाँ से साइन चेंज, तो साइन चेंज हम करें, ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो ये प्लस में, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से कि हमारे पास जो है इस फॉर्म में जो है ये 9 प्लस में है, तो 9 में से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और x² साथ ऐसे ही आ जाएगा x², और ये प्लस में होगा। अब ऊपर से हम एक टर्म नीचे ले आते हैं, वो है 9x। अब हमें 3x-3 के साथ किसी ऐसे वेरिएबल या किसी नंबर को हमने या टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारे पास क्या हो। x को किसे मल्टीप्लाई करें कि 2x² हो जाए, तो एक तो हम 2 के साथ करेंगे और साथ x के साथ करेंगे। 2 जब इसके साथ होगा तो 2 आ जाएगा, x जब x के साथ होगा तो इसे स्क्वेयर में चेंज कर देगा, माइनस 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म आ जाएगी, 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ x। तो सेम आप ऐसे ही करें, यहाँ पे हम इसे प्लस 2 के साथ जो है 2x के साथ हम मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉलीनोमियल जो है वो फाइंड आउट हमने किया हुआ 2x² माइनस 6x जी। अब इनके हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन जो है वो चेंज करेंगे जी। साइन चेंज कर दिए हमने क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वजह से। अब ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो गए। 9 में से हमने 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस किस वजह से है, क्योंकि 9 हमारे पास बड़ा है, 6 छोटा है, माइनस 3 और साथ x। चले मैं अब इसी प्लस ऊपर से क्या आ जाएगा, p। हाँ जी, अब हमें 3x-3x के लिए हमें अब -3x आइए, तो हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x आए। तो अब ये देखें, हमें आप जानते हैं कि x-3 को जैसे ही हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3×9 इस फॉर्म में आ जाएगा जी। तो अब जैसे ही हमने इसे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉलीनोमियल की जो फॉर्म है वो ये है, -3x। अब ये देखें, ये p है हमारे पास और ये नेक्स्ट हमने किया था वो 9 है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा इस साइड पे लिख रहे हैं। p के साथ आपने नीचे राइट नहीं करना स्टूडेंट, इसे हम एक साइड पे राइट करेंगे 9 को जी। अब इसके बाद देखें, हम इसे कट कर रहे हैं जी। अब जो हमने जिसके साथ इसे मल्टीप्लाई किया हमें ऊपर राइट कर रहे हैं और वो है -3।
जी, अब यहाँ पे हम जो है अब ये प्रोसेस कर रही हूँ कि इनके साइन चेंज करने के बाद जो है हम इसे कट कर लेते हैं, जो कट हो रहा है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास रह गया है वो है पी, और साथ ये प्लस में अब किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस नाइन में। अब ये देखिए पी जो है वो माइनस नाइन में है, अब हम इसे लिख सकते हैं नाउ, हम यहाँ से जो है वो इजीली जो है पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, इसके लिए हम अब करेंगे पी माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप जानते हैं कि पी हमारे पास जो है इधर नाइन माइनस में है, जैसे ही हम इस इक्वेशन के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, पी इज इक्वल टू नाइन। तो हमें सिर्फ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो हमने कर ली है। तो इस तरह से डिवीजन से हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट किया, वो है नाइन। तो एट क्लास आज आपने इतना ही करना है, और क्वेश्चन नंबर नाइन जो है ये आपका डायरी देखें, क्वेश्चन नंबर नाइन आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 5.2 बुक की तरफ देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर नाइन ये आपने होमवर्क में करना है। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।